संसार की सबसे विचित्र रचना प्रकृति होती है, जिसका सीधा संबंध फिजिक्स से होता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज, और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का व्यंजक प्राप्त करें जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व या कुंडली उपस्थित हो, इसके बारे में जानेंगे। कहता है, माना कि कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें एल प्रेरकत्व तथा शून्य प्रतिरोध की एक कुंडली से एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा है। यह हमारा कह रहा है कि एक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व एल है, इससे एक विद्युत वाहक बल का स्रोत लगा है, जिसके कारण तात्कालिक विद्युत वाहक बल E बराबर E0 साइन ओमेगा की उत्पन्न होता है। कह रहा है कि इस के कारण हमारा इस प्रेरकत्व के कारण E बराबर E0 साइन ओमेगा की तात्कालिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि L प्रेरकत्व में तात्कालिक धारा आई हो तो सौपे विद्युत वाहक बल माइनस LdIdt होगा। कहता है, अतः परिपथ में उसी क्षण तात्कालिक विद्युत वाहक बल बराबर E+(-LdIdt)। यह हमारा विद्युत वाहक बल है और ये जो हमारा है वह स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल है। इस दोनों को जोड़ दिया गया है, माइनस में प्लस से गुणा करेंगे तो हमारा माइनस होगा, इसलिए बराबर E-LdIdt। अब कह रहा है ओम के नियम से E-LdIdt बराबर I, चूंकि ओम का नियम कहता है कि विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्रतिरोध और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। प्रतिरोध हमारा शून्य है तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल शून्य हो जाएगा, इससे हम लोग विद्युत वाहक बल E का मान निकालेंगे, तो E बराबर LdIdt। अब हमारा E बराबर ऊपर में दिया हुआ है E0 साइन ओमेगा टी, इस E के जगह पर हम लोग E0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो E0 साइन ओमेगा टी बराबर LdIdt। अब इससे हम लोग DI का मान निकालते हैं, तो DI बराबर E0/L sin ωt dt। इससे हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इससे DI का मान निकालते हैं, तो DI बराबर हमारा आया E0/L sin ωt dt। ये समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करने पर, समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन कर रहे हैं तो फॉर्मूला होता है हमारा समाकलन dx बराबर x, इसी हिसाब से हमारा समाकलन DI बराबर I होगा। और इसमें जो नियत राशि है E0/L उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, E0/L समाकलन साइन ओमेगा टी डी टी। अब एक और हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ साइन ओमेगा टी डी टी है, ओमेगा टी हमारा जो है वह नियतांक है, इसीलिए ये गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, I बराबर माइनस E0/ωL cos ωt। साइन का हमारा क्रॉस हो गया और ओमेगा जो गुणा में था वो भाग में आ गया। इसको हम लोग रूप बदल के लिखते हैं, I बराबर E0/L sin ωt -π/2। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू हमारा फिर हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब ये कह रहा है कि धारा के अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी का मान एक होना चाहिए, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू का मान एक होना चाहिए, अतः इस पूरे के जगह पर हम लोग जब एक लेंगे तो अधिकतम धारा का मान हमको प्राप्त होगा, इसीलिए चूंकि I0/I max = E0/ωL। यहाँ हमारा अगर एक देंगे तो हमारा यहाँ मैक्स हो जाएगा तो E0/ωL बचेगा। अब हम E0/ωL के जगह पर हम लोग I0 देते हैं, तो I = I0 sin ωt -π/2।
ये जो हमारा है ये प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक है जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व उपस्थित होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।